गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून बेटा दिव्यांशी, गुड आफ्टरनून। वीडियो को विजिबल करो बेटा, विजिबल कीजिए वीडियो को। वेरी नाइस, अच्छे से हो बेटा सभी? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी बेटा। नाउ बेटा, कल अपना बेटा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। चैप्टर फर्स्ट बेटा अपना कंप्लीट हो गया था। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर सेकंड। टुडे बेटा वी स्टार्ट चैप्टर सेकेंड। और चैप्टर सेकेंड है बेटा ग्लो। चैप्टर सेकेंड क्या बेटा? ग्लो। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बेटा। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज ए ग्लोब? व्हाट इज ए ग्लोब बेटा? ग्लोब क्या बेटा? globe is a true model globe is a true model of the earth. Globe is a true model of the earth. देखो बेटा, ग्लोब क्या होता है? अपनी जो पृथ्वी है बेटा, अपनी पृथ्वी गोल है। अपनी पृथ्वी कैसी है बेटा? गोल है। अपनी पृथ्वी कैसी है बेटा? गोल है। और अपन जो मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं बेटा, वो गोल नहीं होते बेटा, वो फ्लैट होते हैं। वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। इमेजिन करो बेटा, मान लो आप किसी बस का चित्र बना रहे हो, आपको किसी बस कार या बाइक का चित्र बनाना है और आप उसको ऐसे बनाते हो,
बेटा ये चित्र सही है क्या? ये डायग्राम सही बनेगा क्या? आपको कोई कहे बेटा आपके घर कैसा है, आप उसका ऐसे गोल बना देते हो कि हमारा घर ऐसा है, बेटा ये सही है क्या? नहीं है ना, क्योंकि अपना घर तो बेटा ऐसा ही नहीं, फ्लैट होता है। ऐसे बेटा अपनी पृथ्वी कैसी है? अपनी पृथ्वी है गोल, और अपन उसकी शेप कैसे बनाते हैं बेटा? अपन उसकी शेप बनाते हैं ऐसे, कैसा भी वर्ल्ड मैप है। तो बेटा पृथ्वी की ये शेप सही होगी क्या? नहीं होगी बेटा। अपनी पृथ्वी कैसी है? राउंड है, राउंड है ना, और अपन उसको मैप में कैसे बनाते हैं बेटा? फ्लैट बना रहे, चपटी बना रहे, राइट बेटा। इसीलिए पृथ्वी की एक्चुअल जो आकृति बेटा, पृथ्वी की जो एक्चुअल शेप है, उस शेप को क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोब। उस शेप को क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। और ग्लोब कैसा होता है? यह आपकी पृथ्वी है, ठीक है, उसको एक स्टैंड में, पृथ्वी की शेप को एक स्टैंड में लगा दिया, जो रोटेट करती है, जो क्या करती है बेटा? रोटेट करती है, घूमती है, जैसे अपने पृथ्वी घूमती है ना बेटा, ठीक उसी प्रकार से आपकी बेटा वॉइस प्रॉब्लम। वॉइस क्लियर है बेटा? खुशी बेटा आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए। ओके बेटा, अपनी पृथ्वी कैसी बेटा? गोल है, और गोल पृथ्वी को एक इमेजिन किया कि अपनी पृथ्वी बिल्कुल गोल है, उसको एक स्टैंड के ऊपर कस दिया, उसको स्टैंड पे फिट कर दिया, जहां पे वो रोटेट करती है, घूमती है बेटा, ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया? ग्लोब। तो ग्लोब क्या बेटा? Globe is a true model. Globe is a true model of the Earth. ठीक बेटा? Globe is a true model of the Earth. हमारी पृथ्वी का वास्तविक जो आकार है, हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है, उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी क्या है? Globe. That's clear बेटा? Clear है बेटा globe? इससे देखो बेटा शो हो रहा है, यहां से आपको शो करता हूं, शो रहा है बेटा ग्लोब? नॉट। ये जो डायग्राम है बेटा, ये किसका डायग्राम है? ये ग्लोब का है बेटा। ओके ओके बेटा, ग्लोब 3D होता है बेटा। ग्लोब क्या होता है? 3D। ग्लोब होता है 3D मॉडल, 3 आयामी, ठीक है, कौन सा होता है? 3 आयामी होता है। जो मैप होता है बेटा वो होता है 2D मॉडल। द्वि आयामी किसी भी चीज को बेटा, जब आप उसका चित्र बनाते हो, उसका बेटा कोई खाका तैयार करते हैं, उसका स्क्रेच बनाते हो, तो उसमें जो आपके 2D होता है, थोड़ा 2D होता है, उसमें होती है लेंथ और वाइडेथ, लेंथ और वाइडेथ, लंबाई और चौड़ाई, दो चीजें जो शो करता है बेटा,
लंबाई और चौड़ाई दो चीजें शो करता है, वो होता है 2D मॉडल। जैसे मैप, जैसे क्या होते बेटा आपके मैप, मैप पृथ्वी की लंबाई और उसकी चौड़ाई, इन दो को ही शो करते बेटा। और जो त्रिआयामी होते हैं ये लैंड वाइड और हाइट, लेंथ वाइडिंग और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, इनको शो करता है। ठीक है, ग्लोब कैसा मॉडल बेटा, 2D है या 3D है? ग्लोब कैसा होता बेटा? ग्लोब 3D मॉडल होता है। अभी क्या करते हैं और समझते हैं। ग्लोब पर बेटा और पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइंस मानी, ठीक है, जैसे आप किसी को लेटर लिखते हो बेटा या SMS करते हो, मेल करते हो, करते हो ना, फोन से SMS करते हैं, अपने कंप्यूटर और मोबाइल से मेल भी करते हैं। पहले के टाइम में लोग पत्र लिखते थे, लेटर राइटिंग करते थे, तो उसमें एड्रेस लिखना पड़ता था। उसमें क्या लिखना पड़ता था बेटा? एड्रेस लिखना पड़ता था। जैसे आप मान लो बेटा स्कूल को कोई लेटर लिखते हो, ठीक है, स्कूल को क्या करते हो आप बेटा, कोई लेटर लिखते हो, तो आप उसमें एड्रेस लिखते हो ना, राजश्री इंटरनेशनल स्कूल किराड़ो टाकपुरा जयपुर, ऐसे लिखोगे बेटा उसका एड्रेस। अगर मान लो आप ये लिखते हो ओनली राजश्री इंटरनेशनल स्कूल, तो क्या आपका लेटर स्कूल में पहुंचेगा बेटा? नहीं पहुंचेगा। पता नहीं पूरे बेटा इंडिया में राजश्री के नाम से कितने स्कूल हो सकती हैं, हो सकते हैं बेटा, पॉसिबल है बेटा? नहीं पहुंच रहा अपना लेटर, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है। प्रॉपर क्या करना पड़ता है बेटा? एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है बेटा। ठीक इसी प्रकार से बेटा, जैसे आप किसी स्कूल, आपके घर, आपके गांव का एक एड्रेस होता है, ठीक इसी प्रकार से बेटा पृथ्वी पे हर स्थान का एक ज्योग्राफिकल एड्रेस होता है, एक भौगोलिक स्थिति होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है बेटा, समझ में आ रहा है? पृथ्वी के हर स्थान की बेटा एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, और उस लोकेशन को बेटा किससे डिसाइड करते हैं, लैटिट्यूड्स और लोंगिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बेटा उसे डिसाइड किया जाता है। समझो बेटा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स, अर्थ होगा बेटा, अर्थ को बेटा एक इमेजिनरी लाइन से, अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा बेटा, वास्तव में पृथ्वी पे कोई लाइन नहीं खींच रखी है। आप ये सोचो ना बेटा कि पृथ्वी पे लाइन खींच रखी होगी, अपन जाकर के देखें इक्वेटर कहां पे बेटा बनी हुई है, वास्तव में नहीं है, लेकिन ये कैसे बेटा आपके इमेजिनरी लाइन बेटा 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0 डिग्री, ओके, और इसका नाम है इक्वेटर, इसका नाम क्या बेटा, इक्वेटर, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? इक्वेटर को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर इज ए इमेजिनरी लाइन
विच डिवाइड ओवर अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सर इन ग्लोब देयर लाइंस आर ड्रॉ इन सर्कुलर व्हाट इज कॉल्ड। बेटा आ रहा है मेरा पेंसिल ला लो, ठीक है। अभी अपन टॉपिक पे चल रहे हैं, इसके बाद है बेटा जहां तक बेटा सबको शो हो रहा है बेटा, मैं क्लियरली शो हो रहा है बेटा आपको, जो डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है बेटा सभी को। ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ बेटा। 23 एंड हाफ साउथ, 66 एंड हाफ साउथ, 90 डिग्री साउथ। एक बार बेटा इसको अच्छे से देखिए, दिख रहा है बेटा सभी को। 23 एंड हाफ डिग्री जो नॉर्थ है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा आर्टिक वर्ब। ये हो जाएगा बेटा आपके नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव, ठीक है बेटा। यहां पर हो जाएगा बेटा आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा बेटा, अंटार्कटिक सर्कल, और ये होगा बेटा आपका साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव शोरा बेटा, शोरा बेटा सभी को स्क्रीनशॉट ले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
डना क्यों बेटा? चलो ना समझे इसको, जो आपकी अर्थ है बेटा, जो आपकी बेटा अर्थ है, ये समझ रहा है बेटा? यस मौर्य, अपनी अर्थ बेटा, अर्थ को क्या बेटा, इमेजिनरी लाइन से काल्पनिक रेखाओं के द्वारा मान लिया गया बेटा कि एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसका नाम क्या बेटा? इक्वेटर। उसका नाम क्या है? इक्वेटर। इससे ऊपर की तरफ बेटा 23.5 डिग्री, एक एक डिग्री पे बना हुआ बेटा कौन, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे बेटा 23.5 जो एंगल है बेटा, 23.5 एंगल, उसका नाम है बेटा थेरापी ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो भारत के बीच में से गुजरती है। क्लियर है बेटा? डिग्री जो एंगल सर्किल बेटा, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्किल, आर्टिक वृत्त। क्या कहते हैं बेटा इसको? आर्टिक सर्किल या आर्टिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री जहां पे बेटा, 90 डिग्री का नाम है बेटा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के दो ध्रुव है बेटा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, पृथ्वी के कितने ध्रुव है बेटा? दो ध्रुव है, दो पोल है बेटा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। साउथ में बेटा 23.5 एंगल जो बेटा सर्किल है, 23.5 एंगल का जो सर्किल है बेटा, उसका नाम है टेरोपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ठीक है, उसका क्या नाम है बेटा? मकर रेखा। 66.5 डिग्री जो सर्किल है बेटा, 66.5 डिग्री सर्किल साउथ में बेटा, उसका नाम अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त। साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव बेटा, दैट्स क्लियर बेटा, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड एवरीवन? टॉपिक डालो बेटा, लैटिट्यूड। अक्षांश, लैटिट्यूड मीन्स क्या होता था? अक्षांश। टोटल लैटिट्यूड्स आर 181।
टोटल लैटिट्यूड्स आर 179 ऑन ग्लोब all parallel circle all parallel circles from the इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स latitudes the equator represents the zero degree latitude zero degree latitude data the equator is the largest circle of of latitude okay beta
that therapeutic of cancer represents about 23.5 degree north. The therapeutic of Capricorn beta represents 23.5 degree south latitude. The Arctic Circle represents 66.5 degree north. और लास्ट नोट आपके the Antarctic Circle represents 66.5 degree south pole. समझो बेटा इसको, समझ लो बेटा. टोटल अक्षांश रेखाएं कितने बेटा, टोटल लैटिट्यूड्स कितने बेटा, टोटल लैटिट्यूड्स आर 181 ऑन द मैप. मैप पे कितने बेटा, 181 ऑन द मैप. मैप पर बेटा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 181. और टोटल लैटिट्यूड्स आर बेटा 179 ऑन ग्लोब. ग्लोब पर बेटा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 का 179 है. द पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स आर लैटिट्यूड्स. भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को बेटा अक्षांश रेखाएं कहते हैं. खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री लैटिट्यूड. जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा बेटा वह जीरो डिग्री सर्किल मानी जाती है. कौन सा सर्कल मानी जाती है बेटा, वो जीरो डिग्री सर्किल मानी जाती है. कौन सा सर्किल है बेटा, वो जीरो डिग्री. जीरो डिग्री को रिप्रेजेंट कौन करता है, इक्वेटर. The equator is the largest circle of the latitudes. सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा जो अक्षांश होता है वो कौन सा होता है, इक्वेटर. इक्वेटर के बाद में होना ये मान लो इक्वेटर है, इससे ऊपर जाएंगे तो बेटा छोटे होते जाएंगे ना, ये नीचे आएंगे तो क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, स्मॉल होते जाएंगे. तो सबसे बड़ा बेटा सर्किल कौन सा है, सबसे बड़ा सर्किल है इक्वेटर. कौन सा था, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्किल ऑफ लैटिट्यूड्स. द टेरोपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा रिप्रेजेंट करती है. कर्क रेखा को रिप्रेजेंट कौन करता था, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. कर्क रेखा को रिप्रेजेंट कौन करता बेटा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता. द टेरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स 23.5 डिग्री साउथ. 23.5 डिग्री साउथ बेटा ये मकर रेखा को रिप्रेजेंट करता है.
आर्कटिक सर्कल रिप्रेजेंट करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो आपके आर्कटिक वर्थ का आर्कटिक वर्थ को रिप्रेजेंट करती है 66.5 डिग्री नॉर्थ बेटा। द अंटार्कटिक सर्कल रिप्रेजेंट 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक वर्थ को कौन रिप्रेजेंट करता बेटा, अंटार्कटिक वर्थ को कौन रिप्रेजेंट करता बेटा, अंटार्कटिक वर्थ को रिप्रेजेंट करता है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ बेटा। स्क्रीनशॉट ले बेटा जल्दी से, आज की क्लास को करते हैं ओफ, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे, हंसते रहिए, खेल खिलाते रहिए।